नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन का दौर वीरवार से शुरू हो गया है। हमीरपुर नगर परिषद के विभिन्न वार्ड से प्रत्याशियों ने अपने अमले नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई और जनादेश मिलने पर अपने अपने वार्ड में विकास कार्यों को गति देने का दावा किया है। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन का दौर वीरवार से शुरू हो गया है। हमीरपुर नगर परिषद के विभिन्न वार्ड प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। वार्ड नंबर 9 से नामांकन पत्र दाखिल करने वाली प्रत्याशी रचना भारद्वाज का कहना है कि सर्वे में पता चला है कि वार्ड में काफी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि मोहल्ले में पानी की दिक्कत है, झोंपड़ियों में बिजली की समस्या है और चौक में फुटपाथ का निर्माण करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भी वे अपने वार्ड में लोगों के लिए कार्य करती रही हैं और लोगों का सहयोग मिलने के बाद भी लोगों के साथ मिलकर ही हर कार्य को करेंगी। उन्होंने अपने वार्ड के सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। हमें सर्वे करके यही पता चला कि वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि वाल्मीकि मोहल्ले में पानी की समस्या है और झोंपड़ियों में जो है वो बिजली की समस्या है और भोटा चौक में जो है वो फुटपाथ की बहुत समस्या है। तो मेरे वार्ड नंबर 9 से सभी से यही उम्मीद है कि आप सोच समझ के वोट दीजिएगा ताकि वो आपकी समस्याओं को हल कर सके। जो भी समस्या होगी उसको हम दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे छोटी समस्या चाहे बड़ी समस्या, हम उनको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।